इतिहास रचने की तैयारी। कैसे चुने गए गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्री? गगनयान स्पेस मिशन के चारों एस्ट्रोनॉट के नामों की घोषणा हो गई है। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए इन्हें चुना गया है। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। इन सभी एस्ट्रोनॉट्स को पीएम मोदी ने एस्ट्रोनॉट्स विंग से सम्मानित किया। गगनयान मिशन में जाने वाले सभी अंतरिक्ष यात्री एयर फोर्स में ग्रुप कैप्टन या विंग कमांडर के पद पर हैं। गगनयान मिशन के जरिए 40 साल बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जा रहा है। इससे पहले राकेश शर्मा 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। आइए जानते हैं गगनयान मिशन के लिए इन चारों एस्ट्रोनॉट का चुनाव कैसे हुआ। इस मिशन के लिए चुने गए सभी एस्ट्रोनॉट इंडियन एयर फोर्स में टेस्ट पायलट हैं। इनका नाम 4 साल पहले फाइनल हो गया था। अंतरिक्ष यात्री के चुनाव के लिए एयर फोर्स के सैकड़ों पायलट्स का टेस्ट हुआ था। इन पायलटों के क्लिनिकल, एरोमेडिकल समेत कई सारे टेस्ट हुए। इन सब में से 12 लोगों को चुना गया। इसके बाद कई और राउंड की चुनाव प्रक्रिया चली, जिसके बाद नेशनल क्रू सिलेक्शन बोर्ड ने 4 उम्मीदवारों के नाम गगनयान मिशन के लिए फाइनल किए। कैसे हो रही है ट्रेनिंग? गगनयान के 4 यात्रियों की ट्रेनिंग 3 साल से चल रही है। शुरुआत में इन्हें 13 महीनों के लिए ट्रेनिंग के लिए रूस के यूरी गगारिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर भेजा गया था। फिलहाल ये बेंगलुरु में इसरो के बनाए ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर HSFC में ट्रेनिंग कर रहे हैं। कई एजेंसियां और सशस्त्र बल भी एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग में मदद कर रहे हैं। क्या है गगनयान मिशन? कब लॉन्च होगा? गगनयान मिशन में 3 भारतीयों को अंतरिक्ष में धरती से 400 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। वहां वो 3 दिनों तक रहेंगे। इसके बाद उन्हें बंगाल की खाड़ी में सुरक्षित उतार लिया जाएगा। गगनयान मिशन के सफल होने पर भारत दुनिया का ऐसा 4था देश बन जाएगा जिसने अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजा हो। अब तक केवल अमेरिका, रूस और चीन ही ये उपलब्धि हासिल कर पाए हैं। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। मिशन में एस्ट्रोनॉट की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा गया है। उन्हें अंतरिक्ष में भेजने से पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योम मित्र को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। व्योम मित्र अंतरिक्ष यात्री को इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे वो मॉड्यूल के मानकों, पैरामीटर्स की निगरानी करने, चेतावनी जारी करने और लाइफ सपोर्ट ऑपरेशंस को चलाने के काबिल है। यह 6 पैनलों को संचालित करने और प्रश्नों का उत्तर देने जैसे काम भी कर सकता है। गगनयान मिशन पर तेजी से काम चल रहा है। पिछले साल अक्टूबर में पहली टेस्ट फ्लाइट लॉन्च की गई थी जो सफल रही। मानव रहित व्योम मित्र मिशन 2024 में लॉन्च किया जाएगा। वहीं देश का पहला मानवयुक्त मिशन गगनयान अगले साल यानी 2025 में लॉन्च किया जा सकता है। गगनयान में क्रू एस्केप सिस्टम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रणाली है। यदि रॉकेट को कुछ भी होता है तो रॉकेट के विस्फोट में जलने से पहले कम से कम 2 किलोमीटर दूर चालक दल को ले जाकर बचाता है। इसे ट्रांसोनिक स्थिति कहा जाता है। गगनयान प्रोजेक्ट का नाम संस्कृत शब्द से लिया गया है, जहां गगन का मतलब आकाश और यान का मतलब क्राफ्ट या व्हीकल होता है। गगनयान मतलब आकाश का व्हीकल। गगनयान प्रोजेक्ट को 90 अरब रुपए की लागत से तैयार किया गया है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।